सरकार तो आनंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमैर बिन साद एक छोटे से नन्हे बच्चे कभी अपने चचा के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में आया था। उमैर बिन साद अपने कभी चचा के साथ आया करता था मस्जिद नबवी में बयान सुनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन नन्ना सा बच्चा पांव लड़खड़ाते हुए आ रहा है। आज भी कई बाप कई भाई अपने अपने भाइयों को अपने अपने लड़खड़ाते बच्चों को लेकर आते हैं। हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके चाचा मस्जिद में आए। एक दिन उसका चाचा नहीं आया। हजरत उमैर बिन साद लड़खड़ाती हुई नन्नी सी पांव से चलते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। वो शौक था, क्या मोहब्बत थी, मोहब्बत देखी उस बच्चे की, वो बच्चा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाता है और आकर देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा लगा है। सरकार बातो नसीहत कर रही है और सरकार इर्द गिर्द सहाबा किराम इस तरह से बैठे हैं जिस तरह से चांद के बीच में सितारे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा आया वो भी बैठ गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के मुताबिक कुछ बातो नसीहत फरमाए। बच्चे ने बिल्कुल बगौर सवाल किया, बच्चा लड़खड़ाती हुई पांव से कोतली जबान से बोलने वाला बच्चा है हजरत उमैर बिन साद। हमारे बड़े बड़े हमारे आज के मुआशरे में देखिए, जब कुछ वाज़ो नसीहत दीन की बात होती है तो उन्हें खलबली मची हुई रहती है कि कभी इमाम साहब जल्दी तकरीर खत्म करेंगे, कब मुकर्रर साहब जल्दी तकरीर खत्म करेंगे, बैठने का तरीका नहीं आता, किस तरीके से बैठा जाता है नबी की महफिल में वो सलीका नहीं आता। बच्चा आया सरकार की महफिल में बैठ गया। आज हम तो इधर बयान चल रहा है, इधर मोबाइल चेक करते हैं, इधर बयान चल रहा है, हम दूसरों से बातें करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कुछ असर भी नहीं हो रहा क्योंकि हम बगौर समाप्त ही नहीं करते। मतलब जो मेरे दिन से आदर अल्लाह मजलिस में आए सरकार कयामत के मुताबिक बाज़ो नसीहत कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और बाज़ो नसीहत बच्चा सुनता है। नन्ना सा बच्चा सुना सुनकर घर गया और अपने चचा को देखा कि घर में मौजूद है। वो सोचा क्यों ना आज नबी ने जो बयान फरमाया कयामत के मुताबिक मैं अपने चचा को अपनी लड़खड़ाते सवाल से सुना दूं, क्योंकि मैंने जो नबी से सुना है उसका सवाब, ताकि उस सुनने से मेरा चचा महरूम ना हो जाए, क्योंकि ये सबक है, अगर नहीं सुनेगा तो ये सबक चला जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी जबान से मैं अपने चचा को सुना। हजरत उमैर बिन साद अपने चचा को कहते हैं कि चचा आज मैं मस्जिद गया था नबी शरीफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मुताबिक अच्छी अंदाज में वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं और ऐसा लग रहा था सरकार वाज़ो नसीहत कर रहे तो ऐसा लगता था कि कयामत का मंजर मेरी आंखों के सामने हो रहा है, कयामत को देख रहा हूं, उस मैदान को देख रहा हूं। सरकार दावे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अहसन अंदाज में कयामत का जिक्र फरमाया तो उनका चचा बोल पड़ा, ऐसी बात है मोहम्मद कयामत के बारे में जिक्र कर रहे थे, अगर नबी अगर सच्चा है तो हम लोग सब गले बैठे। उसका चचा ने उस बच्चे के सामने ये अल्फाज दोहराए कि अगर नबी सच्चा है तो हम सब गदे। इतना कहना था बच्चे को जलाल आ जाता, बच्चा हैरान हो जाता है कि ये क्या बात कर गया आज, रोजाना यही चचा मुझे उंगली पकड़कर मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज के लिए ले जाता था, आज ऐसे कैसे बकवास कर रहा है नबी के बारे में। थोड़ी देर सोचा, कश्मकश्म था बच्चा, नन्ना सा बच्चा है जिसे बोलना भी नहीं आता होगा सही तरीके से, बोलना भी नहीं आता होगा। हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चचा से कहते हैं, उसी वक्त कहते हैं, चचा आपका ये गुफ्तगू सुनकर, आपकी ये गुफ्तगू सुनकर, और फरमाते हैं कि खुदा की कसम दुनिया में मैं आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता था, आपसे ज्यादा चचा मैं दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं करता था, यह कलिमा सुनने के बाद अब मेरे दिल में दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से नहीं करता। और हजरत उमैर बिन साद कहते हैं
चचा मैं अब दो राह पे खड़ा हूं। एक राह ये कि आपने जो बकवास की है मैं ये बकवास नबी को जाकर बता दूं, एक बकवास नबी को जाकर बता दूं, जो होगा देखा जाएगा। और दूसरी राह ये है कि मैं नबी से खयानत करूं, नबी से गद्दारी करूं, नबी से बेवफाई करूं। यह दूसरा ऑप्शन मुझे पसंद नहीं। मैं पहले पसंद पे पहले सवाल पे मैं खड़ा होता और कहा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं सरकार की बारगाह में जा रहा हूं, बच्चा लड़खड़ाते समय पांव से फिर वापस मस्जिद नबी में तशरीफ लाता हूं। तो मेरे बिन साथ रहते आके मस्जिद में आकर पूरा वाकया बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मामला है, मेरे चचा जान ने आपकी चचा ने आपके शान अकरम में इस तरह से बदकलामी की है, गुस्ताखी की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहा हूं। जैसे ही सरकार से कहा तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया और कहा कि ये बच्चा इस तरीके के वाकया बयान कर रहा है, क्या किया जाए। इनका चचा नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, इस तरह की वो बात नहीं कर सकता, इस तरह का वो बात नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह ये बच्चा है, छोटा है, कुछ भी आपने बोल दिया होगा या रसूल अल्लाह, इसमें कोई एक्शन ना लीजिए। अपने दामन को खुदा की बारगाह में फैलाया और आपने किया मौला, अगर मैं आज झूठा हूं तो मुझे नबी के सामने झूठा करार दे दे, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे नबी के सामने साबित कर लो सच्चा। अभी हजरत तो मेरे मुसा नन्हा सा बच्चा है, अभी उसके हाथ उठे थे, अभी चेहरे पर आए भी नहीं थे, फौरन जिब्राइल ने अभी जमीन पर तशरीफ लिया है। सरकार ने दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में से करते हैं, या रसूल अल्लाह बच्चा जो कह रहा है बिल्कुल सच्चा कह रहा है। सरकार ने दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बच्चा आज करता है, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया में मोहब्बत अपने चचा से करता था, मैं आज आपको गवाह रखकर ये बात कहता हूं कि मैं उस चचा से बेजारी का ऐलान करता हूं। या रसूल अल्लाह मैं अपने चचा से बेपनाह मोहब्बत करता था, मेरा मौला मैं अपने तेरे नबी को भी गवाह बनाया है, तू भी गवाह हो जा, उस चचा से मेरा आज कोई रिश्ता नहीं। कितने साल का बच्चा है, कितने साल का बच्चा, नन्ना सा बच्चा है, नबी की शान में चचा ने गुस्ताखी की, मगर जब बात नबी की आई, नबी के नामों की आई, तो उस बच्चे को भी गैरत आ गई, उस बच्चे के दिल में भी गैरत आ गई कि कोई कौन हो सकता है, वो चाहे मेरे रिश्ते में चचा ही क्यों ना लग जाए, नबी के खिलाफ बकवास करेगा, रिश्ता तो ये थी इश्क रसूल इश्क मोहब्बत। अल्लाह सुभान व तआला हजरत उमैर बिन साद के सबूत भी ऐसा इश्क था।